दिमाग में न जाने कितनी चिंताएं थी। सुबह जैसे ही घर से निकला, सामने शामू को देखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सामुनाथ। सामुनाथ? सामुनाथ, कब से हुआ आपको ये? 5 साल के बाद में हुआ, पोलियो में। अच्छा, कहाँ रहते हो अभी? MP मध्य प्रदेश। तो आप यहाँ पे MP से आए हो? हाँ, अभी तो यहाँ ही रहते हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, बचपन से ही है ये? नहीं, 5 साल के बाद में हुआ। कोई इलाज करवाया था वो इसका? इलाज करवाया, नारायण सेवा उदयपुर में ऑपरेशन भी करवाया। नारायण सेवा से ना? अच्छा, वहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तो फायदा कुछ हुआ नहीं, तो अभी कोई इलाज है भी नहीं इसका? अभी कोई इलाज नहीं। उम्र कितनी है आपकी? 23 साल। सर्टिफिकेट बना है आपका हैंडीकैप का? अभी तो नहीं बना। बनवाया भी नहीं आपने, तो कोशिश क्यों नहीं की आपने बनवाते कर हैंडीकैप का सर्टिफिकेट? बनवाएंगे ना बाबूजी, अब जाएंगे, जब अभी लॉकडाउन में यहीं थे। अच्छा अच्छा, तो फिर बनवाएंगे। ठीक। मेरे मन में उसको देखकर दर्द हुआ, यकीन मानिए, पर उसके चेहरे पर कोई तकलीफ नहीं थी, भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। 9 बार नारायण सेवा संस्थान से उसकी सर्जरी हुई, पर वो ठीक नहीं हो पाया। फिर भी उसकी मुस्कुराहट ने मेरा मन जीत लिया। श्यामू को देखकर एक संदेश तो मिला कि जिंदगी सिर्फ चलने का नाम है, ठहरने का नहीं। श्यामू को कुछ कपड़े व पैसे दिए, वह एक व्हील चेयर दिलाने का वादा भी किया।